हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रोन टेक डॉक्टर वंस अगेन। तो आज मैं लेके आया हूँ आपका क्यों एंड ए, काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं। एंड जैसे मैंने कहा था, जो लास्ट वीडियो हमारा रिलीज़ हुआ था कि उसके ऊपर मैं जितने भी कमेंट्स आएंगे सारे इस वीडियो में लिए जाएंगे विद नेम, और मैं उनका आंसर करने वाला हूँ। एंड नाउ ओपनिंग माई कमेंट्स, जो भी पिछला सबसे पहले कमेंट था राइट फ्रॉम द फर्स्ट वन। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि हर एक का सवाल जो कि ड्रोन से रिलेटेड होगा इस क्यों एंड ए में मैं लेने वाला हूँ। एंड स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, और इंट्रो प्ले होने के बाद आप स्टार्ट करेंगे हम अपना क्यू एंड ए। तो सबसे पहले एक काफी अच्छा डर्टी व्हील्स, हमारे बहुत पुराने सब्सक्राइबर, इनके चैनल का नाम डर्टी व्हील्स है। सच में सर, आप मैंने तो शेयर कर दी है ये वीडियो और बहुत ही खुशी की खबर है, आपकी माइक सेटअप इज ऑसम, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। आपकी आवाज़ बहुत बढ़िया है, इनका मैंने पहले लिए क्योंकि काफ़ी खास हमारे सब्सक्राइबर हैं पुराने। तो अब स्टार्ट करते हैं इसके बाद क्वेश्चन एंड आंसर्स, क्योंकि एग्जैक्टली वो आ नहीं रहा है वीडियो, मैं ट्राई कर रहा हूँ बार बार। तो सबसे पहले A2 गेमिंग पूछ रहे हैं, व्हाट ड्रोन आई कैन बाय बिकॉज आई एम बाइंग ड्रोन। देखिए, ड्रोन आप जो मर्जी बाय करें, अब गवर्नमेंट जो है काफ़ी पॉजिटिव है ड्रोन्स को लेके, तो ऐसा कुछ नहीं है, जो भी आपके बजट में बैठता है वो आप ड्रोन ले सकते हैं। मेरे हिसाब से जो बेस्ट ड्रोन है मैविक एयर जो 2 आया, दैट इज़ द मिडल रेंज में, मतलब बजट वाइज भी अच्छा है और उसकी स्पेक्स वगैरह भी काफ़ी बढ़िया हैं। तो आई विल रिकमेंड मैविक एयर, और अगर आपका बजट थोड़ा कम है देन यू कैन गो फॉर मैविक मिनी। ठीक है, इसके बाद आपका मोहम्मद जावेद जी, प्लीज़ भैया एक बात क्लियर करनी है कि मेरा मैविक मिनी है, मैं खुद के लिए यूज़ करता हूँ, मुझे भी रजिस्ट्रेशन को कराना पड़ेगा, प्लीज़ कन्फर्म कीजिए। तो जावेद जी, बिल्कुल नहीं, नैनो ड्रोन के लिए कोई रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं है, ना ही रजिस्ट्रेशन आपको करानी है, और कोई इसमें जद्दोजहद नहीं है, सिंपल आप उड़ा सकते हैं, नो इश्यूज़। युवराज राजू जी कह रहे हैं कि अग्री दैट यू आर गिविंग यूजफुल इंफॉर्मेशन बट देर इज़ नो क्लैरिटी नेट। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट अबाउट रिमोट कंट्रोल एंड ड्रोन, आर वी सपोज टू कैरी दिस इन चेक इन बैगेज और कैबिन बैगेज। तो ये कन्फ्यूज़ है, तो मैं क्लियर कर देता हूँ कि बेसिकली जो ड्रोन का मैंने आपको बताया था कि दे आर अलाउड नाउ एट द एयरपोर्ट्स, तो उसमें बेसिकली जो ड्रोन है वो पूरा सेट आपके पास रिमोट भी है वो भी है, तो वो आपको कैरी इन बैगेज जो अंदर लेके जाते हैं ना, इसमें लैपटॉप रखते हैं, तो उसमें आपको रखना है जो कि छोटा ड्रोन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, जिसके ऊपर मैंने डिटेल में बताया था, वीडियो आप देखें। तो मोस्टली जितने भी कैटेगरी के हमारे ड्रोन है, मैविक एयर, मैविक मिनी, सबके साथ बैटरी आती है, और वो इतने ज़्यादा पावर की उसकी बैटरीज नहीं है, तो एक बैटरी भी रख सकते हैं उसके साथ बैकअप में, और ड्रोन भी रख सकते हैं विद रिमोट। तो वो सभी चीज़ जो है आपने अपने जो कैरी इन बैगेज आपके साथ रहता है उसमें रखनी है, लगेज में नहीं रखनी है। लगेज में तभी जाएगी जब काफ़ी आप बड़ा ह्यूज ड्रोन लेने वाले हैं, समझ गए। होप आपका पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया। वरुण ठाकुर पूछ रहे हैं, दुबई इंटरनेशनल से कर सकते हैं या नहीं। दुबई इंटरनेशनल से कर सकते हैं, मतलब ये कह रहे हैं दुबई इंटरनेशनल फ्लाइट में ला सकते हैं कि नहीं, रिप्लाई ज़रूर करना, क्योंकि माइक्रो है और फॉर पर्सनल यूज़ कस्टम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। वरुण ठाकुर, मैं आपको क्लियर कर दूं कि अभी कस्टम का एज सच क्लियरेंस हमें अभी नहीं मिली है, जो कि मैं ऐसे आपको बोल दूं कि बाहर से आप ड्रोन मंगा लीजिए, क्योंकि इतना क्लियर है कि काफ़ी प्रोसेस आसान कर दिया गया है। तो क्या प्रोसेस है, कस्टम अलाउड है, क्या क्या लगेगा, अगर आप बाहर से इम्पोर्ट कर लेते हैं तो कोई ऐसा इशू तो नहीं आएगा। बाहर के लिए अभी कोई क्लैरिटी नहीं आई है, जैसे आएगी मैं अपडेट कर दूंगा। क्लैरिटी इस चीज़ की आ गई है कि अगर आप इंडिया में ड्रोन के साथ ट्रैवल कर पाएंगे उसमें कोई इशू नहीं आएगा। दुबई से अगर हमने गए तो और रिटर्न में साथ में ड्रोन लेके आए हैं तो ला सकते हैं। दीपक गुप्ता जी पूछ रहे हैं, देखो अब तक भी ड्रोन आ ही रहा था, अगर कोई दुबई जाता तो ड्रोन ले आता है, अगर माइक्रो या मिनी ड्रोन है, जैसे मैं पहले बताता था डिसमेंटल करके ले आइए हो जाता है, तो वो अभी भी चलेगा तरीका। बट ऐसा जो है ना एकदम ओपनली जो है वो अभी बात नहीं हुई है कि आप बाहर गए और बड़े आराम से लेकर आ सकते हैं वो ड्रोन को, और आने वाले टाइम में आई थिंक वो हो जाएगा, जैसे ही होगा मैं आपको क्लियर कर दूंगा। भट मूवी इज़ वेरी नाइस, थैंक यू भट साहब, ये भी हमारे बहुत पुराने सब्सक्राइबर हैं। आनंद स्टूडियो जी, सर DJI ने एक गिम्बल टाइप कैमरा निकाला है, वो इंडिया में कब तक आएगा। कैम्बल, जैसे मैंने आपको बताया था 2-3 चीज़ें लॉन्च होने वाली हैं, तो उसमें आप, मैं जब मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके सामने, तो ऑलरेडी गिम्बल लॉन्च हो चुकी है, ऑलरेडी एक्शन कैमरा लॉन्च हो चुका है, कैमरा मुझे बहुत पसंद आया जो बहुत छोटा था उन्होंने बनाया, और ये सारी चीज़ें इंडिया में अवेलेबल कुछ ही दिनों में हो जाएंगी, डोंट वरी। सर आई वांट टू बाय Skydio 2, सो कैन शेयर मीस योर नंबर। नंबर आपको मिल जाएगा, हमारे पास लिंक दिया होता है नीचे, उसमें आप मुझसे बात कर सकते हैं, उसको
फ़ोन करके, कॉल मी ऐप जो आती है उसके थ्रू। बाकी स्काईडियो का फ्रेंड अभी मैक्सिमम जो डीलर्स उठाते हैं ड्रोन्स बाहर से जो आते हैं यहाँ पर, जिस तरह से भी आते हैं, वो DJI के मैक्सिमम होते हैं। स्काईडियो का अभी कोई ऐसा डीलर मेरे कॉन्टैक्ट में या मेरे को नॉलेज में नहीं है, अगर होगा तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा। ड्रोन भी अपने साथ फ्लाइट में रख सकते हैं ना, वही मैं कह रहा हूँ, फ्लाइट में ही आप जब आप ट्रैवल कर रहे हैं तो कैरी इन बैगेज में आपका ड्रोन आप रख सकते हो साथ में। सर जी, मैविक मिनी का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है? नो, बार बार मैं बता रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन सिर्फ माइक्रो कैटेगरी के ड्रोन से स्टार्ट है। और जैसे ही मैं अपना कराऊंगा वो मैं सारा प्रोसेस रिकॉर्ड करूंगा और आपको बड़े आसान लैंग्वेज में बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है? मतलब टोटल 3 बैटरी कैरी कर सकते हैं? जी हाँ, 3 के आसपास आ जाएंगी, जो उसकी पावर मैंने डिटेल में बताई है उसके हिसाब से आप 3 कैरी कर सकते हैं। हर्षल गार्दे, नाइस इन्फॉर्मेशन सर, बट वी कैन बाय ड्रोन फ्रॉम अदर कंट्री एंड ब्रिंग इट टू इंडिया। यस ऑफ कोर्स, आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आप बाय कर सकते हैं, उसको किस तरह से लाना है वो भी बता चुका हूँ डिसमेंटल करके। लेकिन जो एक क्लियरेंस है ना कि बिल्कुल धड़ल्ले से आप मंगा सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई नहीं, वो अभी क्लियरेंस नहीं आया है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। रंजीत जी, हमारे पुराने खास सब्सक्राइबर, वेरी नाइस, थैंक यू। MKI स्पोटा क्रिएशन, नाइस सर, थैंक यू, थैंक यू, वेरी गुड न्यूज़ सर, येस इट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़, वेरी यूजफुल इन्फॉर्मेशन। अमित पटेल जी कह रहे हैं, हाउ टू गेट UN ऑफ ड्रोन, प्लीज़ वीडियो बना रहे हैं सर। डैन, और UN कन्वर्जन चालू हो गया है? देखिए, काफ़ी लोग कह रहे हैं प्रोसेस चालू हो गया है, मैंने खुद नहीं कराया है अभी, मैं काफ़ी कामों में उलझा था, जैसे ही मैं अपडेट होता हूँ खुद मैं अपना ड्रोन रजिस्टर कराऊंगा और आपको सारी डिटेल दूंगा। बने रहे चैनल के साथ, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया तो प्लीज़ कर डालो यार। RC बैट, सो सर जी, एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, अगर मेरे पास मैविक प्रो 2 या फैंटम फ्रोम जैसा ड्रोन है, सो आई कैन कैरी माई ड्रोन एंड इट्स बैटरी अलॉन्ग विद मी इन द कैबिन। एब्सोल्युटली करेक्ट, ये बिल्कुल आपको ठीक पता लगा है। नेगी साहब, थैंक यू वेरी मच, भाई साहब धन्यवाद। परसेंटेज का टीवी कौन सा अच्छा रहेगा, सोनी, सैमसंग या कोई और? बहुत बढ़िया बात आपने पूछी, और ये क्वेश्चन मेरे पास भी कई बार आया है मेरे दिमाग में, और उसका मैंने सोल्यूशन ढूंढा है। देखिए, जो भी ब्रांड आप जो मर्जी लें, ब्रांड का कोई इशू नहीं है, ब्रांड वो लें जो आपको पैनल के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा वारंटी दे। अगर कोई स्कीम सोनी के ऊपर चल रही है कि आपको 2 साल की वारंटी मिलेगी पैनल की, तो वो सोनी उठा ले। अगर आपको सैमसंग ऐसी स्कीम दे रहा है तो सैमसंग उठा ले। तो पैनल इज़ द मेन, अब मैंने अपना टीवी खोल के सब देख लिया, कुछ नहीं है उसके अंदर, पैनल ही मेन चीज़ है। जो ब्रांड आपको पैनल पे ज़्यादा वारंटी दे रहा है तो उसकी तरफ जाएं। अगर दोनों बराबर हैं, मतलब साल साल की वारंटी दे रहे हैं, देन गो फॉर सोनी। कैन यू प्लीज आंसर मी टू द क्वेश्चंस? युवराज राजू पूछ रहे हैं, व्हाट अबाउट रिमोट कंट्रोल एंड ड्रोन, आर वी सपोज टू कैरी दिस इन चेक इन बैगेज और कैबिन बैगेज, बिकॉज ड्रोन हैज शार्प प्रोपेलर्स विच आर नॉट सपोज टू कैरी। देखो, प्रोपेलर्स तो होते हैं, वो खुल भी जाते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। बाकी दोनों चीज़ें, सारा ड्रोन आपने कैबिन बैगेज में रखना है, अगर वो माइक्रो कैटेगरी का है तो, ठीक है। रेडी व्हील्स का मैंने सबसे पहले ले लिया था, उसके बाद है विजय कुमार भूमिज, सर प्लीज़ मेक ए वीडियो ऑन डैन टू UN कन्वर्जन, बिकॉज देर इज़ अ फार नीड फॉर GST बिल फॉर ड्रोन, हाउ टू डू इट। देखिए, GST का इशू पहले भी आया था, मैंने डिस्कस किया था एक वीडियो में कि GST लगना है, उसके ऊपर क्लियरेंस आएगा, क्योंकि काफ़ी ड्रोन ऐसे हैं इंडिया में, काफ़ी क्या मैक्सिमम ड्रोन ऐसे हैं जिनका कोई GST है ही नहीं, क्योंकि एज सच जो बिल कटा ही नहीं है, तो अगर बिल कटा भी है तो कैमरा को लिया हुआ है, मतलब कैमराज के जो स्टोर हैं उन्होंने बेचा है ड्रोन, तो उन्होंने कैमरे का बिल काटा हुआ है, ड्रोन का ऐसा GST वाला बिल कटा ही नहीं है, तो वो ये क्लॉज हटेगा ज़रूर, आप बस वेट करें। यू आर डूइंग ए ग्रेट जॉब, रिगार्ड्स फ्रॉम द सिंगापुर, थैंक यू बिपिन जी, थैंक्स फॉर वेरी गुड न्यूज़, बट फॉर एयर ट्रेवल विद ड्रोन विच डॉक्यूमेंट शुड वी प्रोवाइड एज प्रूफ? देखिए, फॉरन ट्रैवल मतलब ड्रोन्स विद द फॉरनर्स अभी एज सच क्लॉज में नहीं आया रूल्स के अंदर, जैसे ही आएगा विल अपडेट, बट एज फॉर नाउ जो अब सिचुएशन है उसके हिसाब से इट विल बी पॉजिटिव, नो इशूज, मैं आपको अपडेट कर दूंगा जैसे आएगा। खादर SK, नाइस इन्फो सर, थैंक यू। कैन यू सजेस्ट ए साउंड बार फॉर बैलेंस साउंड विद हाई क्वालिटी एंड डोंट वॉन्ट हैवी बेस? इनका मैंने क्लियर कर दिया था, ही इज आस्किंग फॉर सम टेक थिंग, बिकॉज यहाँ पर हम टेक भी डिस्कस करते हैं, ऑडियो प्रोडक्ट्स विच मतलब टेक विच आई यूज आई शेयर ऑन वीडियोज, राइट। बाकी टेक ट्रैवल भी दे दिया, थैंक यू सर फॉर द इन्फॉर्मेशन, थैंक यू, थैंक यू। हम्बू जम्बू, व्हाट अबाउट इंटरनेशनल ट्रैवल फ्रॉम दुबई? ये मैं बात कर चुका हूँ, सेम है। बाकी सीरज जी कह रहे हैं, द रिसेंट PM स्पीच मेंशन्ड द न्यू ड्रोन पॉलिसी एंड रिलैक्सेशन ऑफ सेवरल रूल्स, ग्रीन जोन ऑल्टीट्यूड रिस्ट्रिक्शंस नाउ सीम्स टू बी 120 मीटर्स, प्लीज कुड यू डू अ वीडियो ऑन अ न्यू पॉलिसी, व्हाट इट मीन्स फॉर पीपल प्लानिंग टू बाय यूज मिनी?
सी मिस्टर पताकी और मिस्टर सहराज, आई हैव ऑलरेडी मेड ए वीडियो ऑन न्यू रेगुलेशंस. यस, मोदी गवर्नमेंट एंड द करंट गवर्नमेंट एंड करंट मिनिस्टर फॉर द सिविल एविएशन एंड ऑल दैट, ही इज़ वेरी इन फेवर ऑफ ड्रोन्स. सो बिकॉज ऑफ दैट मैनी रेगुलेशंस हैव बीन सिंप्लीफाइड, मैनी प्रोसेसेस हैव बीन सिंप्लीफाइड. आई हैव ऑलरेडी मेड अ डिटेल वीडियो, यू कैन चेक दैट. एंड वॉट इज द मीनिंग ऑफ दिस 120 मीटर मीन्स दे आर जस्ट रिलैक्सिंग एवरीथिंग, राइट? दे आर इंक्रीजिंग द ग्रीन जोन फॉर द ड्रोन फ्लायर्स, दे आर रिमूविंग द रिस्ट्रिक्शंस एंड मेकिंग मोर जोन्स ग्रीनर फॉर द ड्रोन लवर्स फॉर द प्रमोशन ऑफ ड्रोन टेक्नोलॉजी. द समरी इज दिस. फॉर डिटेल यू कैन वॉच माई वीडियो. थैंक यू. Now, travel buddy sir, thanks much for this video. Could you please create a video on international travel? If I fly international with my personal drone bought in India, would be any problem in customs while flying back to India? Of course, this is a very popular question coming up, and as per present situation, there is no clarity on this aspect, but I can tell you with great surety, this will be okay. No problem will be there, because if they are allowing drones in the internal flights, or domestic flights, definitely they will allow from that abroad also. But I will clarify when I get the information. So these are the 48 questions जो मुझे इस वीडियो में मिले. होप मैंने सबका आंसर कर दिया है. इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उस पर मैं फिर से क्यों वे मतलब जब भी आएगा उस पर करूँगा. यू कैन कमेंट ऑन दैट. एंड होप आपको पसंद आया होगा वीडियो. और अगर आपका कोई और भी क्वेरी है रिगार्डिंग ड्रोन्स वो मैं बताऊंगा. बाकी आने वाले वीडियोस में आपको रजिस्ट्रेशन का पता लगेगा. अगर वो अच्छे से स्टार्ट हो गया है हमारे जो वेबसाइट है ऑफिशियल, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा. प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, एंड थैंक यू वेरी मच. हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिप्टो किंग चंडीगढ़. ये वीडियो मैं बना रहा हूँ काफ़ी लोगों के लिए जो कि अभी माइनिंग को देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्रिप्टो माइनिंग को देख के, एंड सोचते हैं कि अब हम लेट तो नहीं हैं. तो